नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज यदि हम भारी वर्षा की बात करें तो पूरे देश पर कहीं भी भारी वर्षा की कोई गतिविधि दर्ज नहीं की गई। हालांकि भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमानों के अनुसार तमिलनाडु पर एक स्टेशन पर 9 सेंटीमीटर वर्षा और कुछ और एक स्टेशन पर चार पांच स्टेशन पर 5 से 7 से 8 सेंटीमीटर तक की वर्षा दर्ज की गई है। और अभी हम यदि अगले 5 दिनों की हाईलाइट्स की बात करें तो सबसे पहली जो हमारी हाईलाइट है, जिसकी तरफ भारत मौसम विज्ञान विभाग पिछले 5 से 7 दिनों से इंगित करता रहा है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान पर एक वर्षा का एक स्पेल आने वाला है, दौर आने वाला है। और जिस वर्षा के स्पेल में हमें हेलस्टॉर्म एक्टिविटी, ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है और छिटपुट स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा भी देखे जाने में आ सकती है। और ये इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। और इसके पश्चात एक लो प्रेशर एरिया के फॉर्मेशन की संभावना है, जो कि लगभग 27 तारीख को एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा। 26 तारीख को साउथ अंडमान सी, दक्षिणी अंडमान सागर और उसके प्रभाव में फिर एक लो प्रेशर एरिया, अल्प दबाव का क्षेत्र 27 तारीख को बनेगा और फिर इसके पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा में गति करते हुए इस लो प्रेशर एरिया के 29 तारीख को एक डिप्रेशन में बदलने की संभावना है। तो सबसे पहले यदि हम इससे संबंधित वार्निंग्स की बात करें तो हमें अंडमान निकोबार पर 26, 27 और 28 तारीख को भारी वर्षा छिटपुट स्थानों पर प्राप्त हो सकती है। और साथ ही साथ अंडमान निकोबार आइलैंड और इसके साथ ही दक्षिणी अंडमान सागर और उससे संलग्न उत्तरी अंडमान सागर और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर हमें 27 तारीख को 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे गस्टिंग टू 55 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं और ये बढ़ते हुए फिर 28 तारीख को 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे गस्टिंग टू 65 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं दक्षिणी अंडमान सागर और उससे संलग्न दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उत्तरी अंडमान सागर और साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर प्राप्त हो सकती हैं, देखे जाने में आ सकती हैं। और इसके परिणाम स्वरूप मछुआरों को आगाह किया जाता है कि वो दक्षिणी अंडमान सागर, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी यहाँ पर यदि हैं तो वो 26 तारीख या उसके पहले पहले वापस हो लें और यदि इस तरह की कोई उनकी योजना है इन क्षेत्रों में जाने की तो 26 तारीख के बाद इन क्षेत्रों में जाने से परहेज करें। और फिर हम आते हैं हमारा जो दूसरा हाईलाइट है और जिसकी हम पिछले 4 से 5 दिनों से लगातार जिसकी ओर आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें एक पश्चिमी विक्षोभ कल अर्थात 25 तारीख को आने की संभावना है, जो कि पश्चिमी भारत और इसके साथ ही मध्य भारत और पश्चिमोत्तर भारत को प्रभावित करेगा। और इस पश्चिमी विक्षोभ की अंतःक्रिया, इसका इंटरैक्शन होने की संभावना है एक ट्रफ लाइन से, जो कि निम्न क्षोभ मंडल की पूर्वी हवाओं में बनेगी। और हम यहाँ देख सकते हैं कि आज भी हमें एक चक्रीय परिसंचरण, साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, जो कि दक्षिण पूर्व अरब सागर और उससे संलग्न दक्षिण पश्चिम अरब सागर पर है और यहाँ से एक ट्रफ लाइन, एक अल्प दबाव की रेखा जा रही है उत्तरी महाराष्ट्र तक। तो इसकी वजह से यहाँ पर हमें दक्षिण पूर्वी हवाएं मिल रही हैं निम्न क्षोभ मंडल में और कल हमें यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी हवाएं मिलेंगी मध्य और ऊपरी क्षोभ मंडल में। और इनके इंटरैक्शन के परिणाम स्वरूप हम पाएंगे कि कल से हमें यहाँ पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिलेगी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी महाराष्ट्र पर। और फिर ये गतिविधि 27 तारीख तक चलने की संभावना है, लेकिन इसका जो अधिकतम तीव्रता देखे जाने में आएगी वो 26 तारीख को आएगी, जबकि हम देख सकते हैं कि दक्षिणी राजस्थान, गुजरात, खासकर पूर्वी गुजरात जिसे हम गुजरात क्षेत्र हमारा सब डिवीजन है, और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी महाराष्ट्र, खास करके उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी मराठवाड़ा और पश्चिमी विदर्भ, इन क्षेत्रों पर हमें हल्की से मध्यम वर्षा कई स्थानों पर और मध्यम से भारी वर्षा छिटपुट स्थानों पर और इसके साथ ही साथ ओलावृष्टि की गतिविधि देखे जाने में आएगी 26 तारीख को। और 27 तारीख को जब ये पश्चिमी विक्षोभ पूर्व दिशा की ओर बढ़ेगा तो फिर ये गतिविधि हमें खास करके पूर्वी मध्य प्रदेश और उससे संलग्न पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी विदर्भ और छत्तीसगढ़ के भी कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की बारिश के रूप में और साथ ही साथ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के रूप में देखे जाने में आ सकती है। और इसके प्रभाव में हमें दक्षिणी उत्तर प्रदेश पर भी छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा देखे जाने में आएगी। तो
हमारा आपसे आग्रह है, सभी किसान भाइयों से और आम जनता से आग्रह है कि वे इस जो ये सीवियर वेदर आने की संभावना है इसके पूरी तरह से इसके जनपद स्तरीय डिस्ट्रिक्ट लेवल की जानकारी के लिए आईएमडी जयपुर, आईएमडी अहमदाबाद, आईएमडी भोपाल, आईएमडी नागपुर और आईएमडी मुंबई की वेबसाइट्स को कृपया विजिट करें और वहाँ पर हम इसके बारे में डिस्ट्रिक्ट लेवल वार्निंग और विस्तृत इसके बारे में फोरकास्ट वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। और फिर हम जैसा कि हमने चर्चा की कि लो प्रेशर एरिया हमारा 27 तारीख को बनेगा और उसके फिर डिप्रेशन में बदलने की संभावना लगभग 29 तारीख को। और यदि हम थोड़ा तापमानों की बात करें तो जो न्यूनतम तापमान है वो इस पश्चिमी विक्षोभ के आने के कारण कल से अर्थात 25 तारीख से न्यूनतम तापमानों में थोड़ी सी वृद्धि देखी जाएगी। 25 और 26 तारीख को पूरे क्षेत्र पर, पूरे पश्चिमोत्तर भारत और इसके साथ साथ पश्चिम भारत और मध्य भारत पर भी यहाँ पर तापमानों में वृद्धि, न्यूनतम तापमानों में वृद्धि और अधिकतम तापमानों में गिरावट 25 और 26 तारीख को देखे जाने में आएगी। और 27 तारीख से हम पाएंगे कि ये न्यूनतम तापमानों में जो थोड़ी वृद्धि हुई थी वो वृद्धि फिर से घटोतरी की ओर बढ़ रही है और 27 से 28 तारीख से हम पाएंगे कि जो न्यूनतम तापमान है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र पर लगभग 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।